नमस्कार। कक्षा 10 एक्सरसाइज 3.4 क्वेश्चन नंबर 2 का चौथा भाग हम करने जा रहे हैं। मीना 2,000 रुपये निकालने के लिए एक बैंक गई। उसने खजांची से ₹50 तथा ₹100 के नोट देने के लिए कहा। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। ज्ञात कीजिए कि उसने ₹50 और ₹100 के कितने कितने नोट प्राप्त किए। तो मान लो ₹50 के नोट के नोटों की संख्या बराबर एक्स और ₹100 के नोटों की संख्या बराबर वाई। ये नोटों की संख्या कि कितने कितने नोट उसने 50 के और 100 के लिए। आइए अब आगे देखते हैं। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। इसका मतलब एक्स और वाई ₹50 के नोट प्लस ₹100 के नोट जितनी भी संख्या है उनका प्लस जो है वो 25 है क्योंकि टोटल 25 नोट है। इसका मतलब एक्स प्लस वाई 25 के बराबर है क्योंकि कुल नोट 25 है। एक्स थे ₹50 के नोटों की संख्या, वाई थी ₹100 के नोटों की संख्या। दोनों की संख्याओं को मिलकर 25 आता है क्योंकि टोटल उसने 25 नोट बैंक से प्राप्त किए। ये हमारे पास बन गई इक्वेशन नंबर 1। अब हम इक्वेशन 2 देखने के लिए देखेंगे। ध्यान से देखिएगा बच्चों कि उसने कुल कितने पैसे निकलवाए हैं, ₹2,000। अब देखो ध्यान से, ₹50 के एक्स नोट, रुपए कितने हो गए 50x। जैसे ₹50 के 3 नोट या तो 50 × 3 ₹150, ₹50 के 5 नोट 50 × 5, ऐसे ही ₹50 के एक्स नोट 50 × x, और ऐसे ही ₹100 के वाई नोट 100 × y। इन दोनों को मिला दो। नोट तो उसने सिर्फ 50 के लिए और 100 के लिए, तो ₹50 के एक्स नोट लिए तो उसने ₹50 में उसके पास कितने पैसे हैं, 50x रुपये, सॉरी, और ₹100 में वाई नोट है तो कुल कितने रुपए हो गए 100 वाई। दोनों को मिलाकर उसने कितने रुपए निकाले हैं, ₹2,000। ठीक है, ₹50 के एक्स नोट रुपए हो गए 50x, ₹100 के वाई नोट रुपए हो गए 100 वाई, दोनों को मिलाकर ₹2,000। इसमें से 50 कॉमन ले सकते हैं हम, तो ये आ गया एक्स प्लस 100 × y। 100 में से 50 कॉमन तो बाकी रह गया 2y बराबर। यदि 2,000 है, अगले स्टेप में x प्लस 2y बराबर, यहां है 2,000, ये 50 इधर इस ब्रैकेट के साथ गुना हो रहा है। जब ये 50 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। ध्यान से देखना, 0 से 0 कट गया, 5 से 200 कट गया 40। इसका अर्थ यह है हमारे पास जो समीकरण आ गई वो आ गई x प्लस 2y बराबर 40। इसको हम नाम दे देंगे समीकरण 2। अब आप देखें, यह है x प्लस y बराबर 25, यह है x प्लस 2y बराबर 40। हमें इसे विलोपन विधि से हल करना है। गुना तब करना होता है जब यहाँ पे कोई गुणांक सेम ना हो, लेकिन हम यहाँ देख रहे हैं यहाँ भी x है यहाँ भी x है, तो इसको गुना करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम इन दोनों इक्वेशंस को एक बार दोबारा लिख लेते हैं। पहली इक्वेशन थी x प्लस वाई बराबर 25, दूसरी इक्वेशन है x प्लस 2y बराबर 40। इन दोनों को हमें हल करना है। हल करने के लिए हमें पता है यदि इनके साइन सेम है तो ये इक्वेशनें माइनस करनी पड़ेंगी। माइनस करने के लिए नीचे वाली समीकरण के सारे साइन बदल जाएंगे। ये माइनस हो गया, ये प्लस था, ये भी माइनस हो गया, और ये प्लस था तो ये भी माइनस हो गया। अब प्लस एक्स से माइनस एक्स कट गया, यहाँ रह गया प्लस वाई माइनस 2y, माइनस प्लस माइनस, 2 में से 1y गया 1y, साथ में साइन बड़ी रकम का माइनस। माइनस प्लस माइनस, 40 में से 25 गए 15, साइन बड़ी रकम का, बड़ी रकम है 40, 40 के साथ निशान है माइनस। अगले स्टेप में माइनस से माइनस कट गया तो हमारे पास वाई का मान कितना आ गया है 15, वाई का मान कितना आ गया है 15। अब ये वाई का मान हम लिख देंगे इक्वेशन नंबर 1 में। पुट वैल्यू ऑफ वाई इन इक्वेशन 1। तो हमारे पास बन गया इक्वेशन 1 है एक्स प्लस वाई बराबर 25, तो एक्स प्लस वाई, वाई की जगह लिख देंगे 15,
बराबर 25। अगले स्टेप में एक्स बराबर 25, 15 यहाँ प्लस हो रहा उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 25 में से 15 निकाल दिए 10। इसका अर्थ यह है कि एक्स की वैल्यू हम आ गई है हमारे पास 10। अब हमें एक्स या वाई तो नहीं निकालना था, हमें क्या निकालना है, 50 रुपये के नोटों की संख्या और 100 रुपये के नोटों की संख्या। तो हम यहाँ लिखते हैं 50 रुपये के नोटों की संख्या बराबर, देखिए ध्यान से, 50 रुपये के नोटों की संख्या कितनी ली थी, एक्स, और एक्स हमारे पास कितना आया है 10। इसका मतलब 50 रुपये के कितने नोट हैं उसके पास 10। ऐसे ही हम निकालेंगे 100 रुपये के नोटों की संख्या, ध्यान से देखिए, हमने लिया था 100 रुपये के नोटों की संख्या कितनी है y, 100 रुपये के नोटों की संख्या यानी y, और y हमने कितना निकाला बेटा 15। ठीक है, चेक करना चाहते हो तो दिखा देता हूं। देखो 50 रुपये के 10 नोट, 50 × 10 कितने हो गए 500, 100 रुपये के 15 नोट, 100 × 15 हो गया 1500, दोनों को प्लस कर दो 0 0, 5 और 5 10, हासिल आया 1 1 और 1 2, कितने हो गए 2000। शुरू में कितने रुपए निकाले थे 2000, इसका मतलब 50 रुपये के नोट हैं 10, 100 रुपये के नोट है 15, ये हमारा उत्तर सही है। देखा, हमने क्वेश्चन भी हल कर दिया और साथ के साथ देख भी लिया कि हमारा क्वेश्चन बिल्कुल सही है। देखो कितने सारे कलर्स का यूज करते हैं हम लोग, सिर्फ इसीलिए कि आपको अलग अलग सब, ये काटा है तो आपको सब दिखाई दे कि पहले क्या लिखा था और कट के क्या लिखा, अलग लाइन अलग नोट है, ये अलग आंसर है, सबको अलग अलग कलर्स में हम दिखाने की कोशिश करते हैं ताकि आपको ये वीडियो समझ आए, ये क्वेश्चन समझ आए। यदि आपको हमारी ये मेहनत बच्चों अच्छी लगे तो कृपया 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 हमारे इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, आपके लाइक से ही हमें और ज़्यादा मेहनत से वीडियोज़ बनाने की प्रेरणा मिलती है। धन्यवाद बच्चों।